नागपूरच्या प्रेस क्लब येथे शहरातील पोलीस कमिशनर रवींद्र सिंगल यांनी मीट द प्रेसचे आयोजन मंगळवारी केले होते. या दरम्यान पोलीस आयुक्त यांनी आपल्या विभागातील राबविणाऱ्या मोहीम व गुन्हेगारांना वॉर्निंग देत नागपुरात जनतेसोबत मिळून गुन्हेगारी संपविण्याचा इशारा दिला. पोलीस आयुक्त रवींद्र सिंगल नेमके काय बोलले, चला बघूया. ऑफ नागपूर अँड बीइंग कमिशनर ऑफ पोलीस इन नागपूर आय थिंक इज अ प्रेस्टिजियस थिंग, क्योंकि ये इतना सुंदर शहर है और पिछले कई सालों से जिस तरह से डेवलप हो रहा है और एक अच्छी शेप ले रहा है, तो यहाँ पे सर्व करना मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अ प्रेस्टिजियस थिंग. और मैं अपने पूरे दिल से शिद्दत के साथ मैं यहाँ पे अच्छे से काम करना चाहता हूँ. और इसमें आप लोग डेफिनेटली आपकी जो भी सूचना सुझाव रहेंगी, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का, सोसाइटी में जो हो रहा है आप वो बताते हैं, वो लिखते हैं. मैंने कभी भी इसको नेगेटिवली नहीं देखा कि किसी ने नेगेटिव क्यों लिखा. शायद हो सकता है कि हमारी कुछ कमी रह गई हो, तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैंने हमेशा देखा. यही मैंने पिछले 27-28 साल की सर्विस में ये सीखा भी है कि आपका एक काम है, मेरा एक काम है, मैं अपने काम को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ वो मैंने हमेशा कोशिश की है. और वही चीज़ों की वजह से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी आज तक मैंने जहाँ जहाँ पे भी काम किया है. मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिल से काम करूँगा यहाँ पे. आप बिल्कुल कहीं भी ये नहीं देखेंगे कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे कोई गलती करी है. मैं सबसे मिलूँगा, जो भी मेरे पास में लोग आएंगे, ये मेरा काम करने का तरीका है. जो आदमी 2 घंटे 200-400 रुपये खर्च करके मेरे ऑफिस तक पहुंच रहा है, वो कुछ खास उससे ही आ रहा होगा, ऐसा मेरा हमेशा मानना है. ये तो सिटी है, परंतु जब मैं रूरल एरियाज़ में एसपी था, जहां धुलिया में या फिर यहां पे या नांदेड़ में या नासिक में, तो वहां पे जो आदमी आता 200-400 रुपये, बेचारा गरीब आदमी, क्योंकि उसका काम नहीं हुआ था, क्योंकि उसका केस रजिस्टर नहीं हुआ था, और अगर मैं उससे नहीं मिल रहा तो शायद लगता है मुझे कि मैं अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं रहा. तो यहाँ पे भी जो लोग आते हैं, जब तक एंड आदमी चला नहीं जाता तब तक मैं बैठता हूँ. और ये